खबर गाजीपुर से है, जहां एक नाबालिग बालिका को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। मामला जमनिया थाना क्षेत्र के दिल्लावर गांव का है। पीड़िता के परिजनों ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग बालिका की आपत्तिजनक फोटो खींचकर आरोपी पिछले 6 माह से ब्लैकमेल कर रहा था। आरोप है कि आपत्तिजनक फोटो के जरिए आरोपी युवक बालिका के साथ पिछले कई माह से दुष्कर्म कर रहा था। जब यह बात परिजनों को पता चली तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब है कि लड़की के साथ लोग लड़की को फोटो खींच करके ब्लैकमेल कर रहे थे जी, 6 महीना पहले से जी। और वही जो है उसको फोटो दिखा करके धमकाते थे जी कि किसी को अगर बताओगी तो ये फोटो जो है चारों तरफ फैला दूंगा। अच्छा, लड़की जो है अपने माँ बाप से मजबूर होकर नहीं बताती थी जी। क्या उसके साथ कोई दुष्कर्म भी हुआ है? दुष्कर्म भी या उसके साथ हुआ है। थाना जमनिया का मामला है, इसमें FIR दर्ज हो गई है। जो मुख्य अभियुक्त है उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है। जो वीडियो वाली बात है, इस तरीके का वीडियो कोई पुलिस को वादी पक्ष की तरफ से नहीं दिखाया गया है। इस चीज़ की जाँच करी जा रही है कि इसमें वीडियो बना है नहीं बना है। जो दूसरा अभियुक्त है उसकी तलाश की जा रही है। 376 के अंतर्गत मामला पंजीकृत कराया गया है। पीड़िता के बयान इसमें धारा 164 के होंगे। आगे विवेचना की जाएगी, उसके बाद ही बता पाएंगे कि पूरा मामला क्या है।